हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सोशल स्टडी। सोशल स्टडी की बुक हम एज अ रीडिंग इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था। आज देखेंगे चैप्टर नंबर 2, वाटर, WATER, वाटर। वाटर के लर्निंग पॉइंट्स हैं नीड फॉर वाटर, वाटर एंड इट्स यूजेज एंड सोर्सेज ऑफ वाटर। ये 3 टॉपिक के ऊपर हमें आज करना है लेसन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। ऑल जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसको जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट लिव विथआउट वाटर। पीपल हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब लोग पानी के बिना जी नहीं सकते हैं। वाटर हैज़ मैनी यूजेज। वाटर के काफ़ी यूजेज होते हैं। वी ड्रिंक वाटर, हम पीने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ वाटर फॉर बाथिंग, नहाने के लिए भी हम पानी का यूज़ करते हैं। वी यूज़ वाटर फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए भी हम वाटर का यूज़ करते हैं। वी यूज़ वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ वाटर टू पुट आउट अ फायर, जब आग लगती है तब उसको बुझाने के लिए भी हम पानी का यूज़ करते हैं। वी यूज़ वाटर टू ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। अगेन, वाटर हैज़ मैनी यूजेज। वी ड्रिंक वाटर, वी यूज़ वाटर फॉर बाथिंग, वी यूज़ वाटर फॉर कुकिंग, वी यूज़ वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, वी यूज़ वाटर टू पुट आउट अ फायर, वी यूज़ वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। नेक्स्ट पेज, सोर्सेज ऑफ वाटर, SOURCES, सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के जो सोर्सेज हैं उसके बारे में देखते हैं। वाटर कवर्स ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ आवर अर्थ सरफेस। जो हमारी अर्थ का सरफेस है उसमें 3/4 पार्ट पे क्या है, वाटर। 3/4 पार्ट है वो वाटर ने कवर करके रखा है। लुकेटिया, ये अगर हमारा अर्थ है तो उसमें ये 1, 2 और 3 पार्ट में क्या है, वाटर है। सिर्फ ये एक पार्ट पे ही हम लोग हैं, पीपल यहाँ पे एक पार्ट पे ही रहते हैं, बाकी के जो 3/4 पार्ट है वो पानी ने कवर करके रखा है। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस। LAKE लेक्स, PONDS पॉन्ड्स, STREAMS स्ट्रीम्स, RIVERS रिवर्स, SCAS सीज एंड OCEANS ओशियंस। तो हमें वाटर का देखने को मिलता है तो लेक में, पॉन्ड में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, सीज में एंड ओशियंस में। दे गेट वाटर फ्रॉम द स्नो कवर्ड माउंटेन, SNOW स्नो, COVERED कवर्ड माउंटेन्स, MOUNTAINS माउंटेन्स एंड रेन। तो लेक में, पॉन्ड में, स्ट्रीम में, वहाँ सब जगह पानी कहाँ से आता है, तो वहाँ पे पानी जो स्नो कवर्ड माउंटेन यानी जो बर्फ से ढके हुए जो माउंटेन होते हैं वहाँ से, और रेन और बारिश से आता है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, रेन जो है वो पानी का मेन सोर्स है। इन समर वाटर फ्रॉम द सीज, ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स इवेपोरेट्स एंड गोज अप टू फॉर्म क्लाउड्स। समर में क्या होता है, जब बहुत गर्मी होती है तब सी का, ओशियन का, रिवर का, लेक का जो पानी होता है
वो इवेपोरेट होके ऊपर जाके क्या बन जाता है, क्लाउड यानी बादल बन जाता है। समर में जब बहुत गर्मी होती है तब ओशियन का, सी का, रिवर का, लेक का जो पानी होता है वो इवेपोरेट होके, बहुत गर्मी की वजह से क्या होता है, इवेपोरेट होके बादल बन जाता है। क्लाउड ब्रिंग रेन, और बादल क्या करते हैं, बारिश करते हैं। बादलों में से क्या होती है, बारिश होती है। द रेन वाटर कलेक्ट्स इन स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, सीज एंड ओशियन। फिर से ये जो रेन का वाटर होता है वो कलेक्ट किस में होता है, स्ट्रीम में, रिवर में, लेक में, पॉन्ड में, एसीज में, ओशियंस में होता है। द सेम साइकिल गोज ऑन, ऐसे साइकिल चलती ही रहती है कि पहले जो पानी होता है सी का, ओशन का, रिवर का, लेक का, वो इवेपोरेट होके बादल बन जाता है, और बादल में से पानी होता है, बादल में से बारिश होती है, और बारिश का जो पानी होता है, जो रेन वाटर होता है, वो फिर से कहाँ कलेक्ट होता है, वो फिर से वहीं स्ट्रीम में, रिवर में, लेक में, पॉन्ड में, सी में, ओशन में कलेक्ट होता है। तो ये एक साइकिल चलती ही रहती है। दिस इज कॉल्ड द वॉटर साइकिल। तो इसे क्या बोलते हैं, वॉटर साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉटर साइकिल। द वॉटर फ्रॉम द सीज एंड द ओशियंस इज नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज सेल्टी। अगेन, द वॉटर फ्रॉम द सीज एंड द ओशियंस इज नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज सेल्टी। जो ओशियन का और सीज का जो पानी होता है वो हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सेल्टी होता है। वो ज़्यादा सेल्टी होने के कारण हम उसका यूज़ ड्रिंकिंग के लिए नहीं कर सकते हैं। रेन वाटर ऑल्सो शेप्स इन टू द ग्राउंड। रेन वाटर जो होता है वो ग्राउंड में भी शेप्स होता है। इट इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। उसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। वी ड्रॉ आउट दिस वाटर आइदर फ्रॉम वेल्स और बाई यूजिंग हैंड पम्प्स। तो हम वो ग्राउंड वाटर जो होता है वो वेल से निकालते हैं या तो हैंड पम्प का यूज करके निकालते हैं। नाउ टर्न द पेज। इन सिटीज एंड टाउन्स वाटर इज सप्लाइड, SUPPLIED, सप्लाइड टू द हाउसेस थ्रू पाइपलाइन। सिटी में और टाउन में वाटर सप्लाई कैसे होता है, वाटर सप्लाई वो पाइपलाइन से होता है। वी गेट दिस वाटर थ्रू द टैप्स इन आवर हाउस। ये पानी, जो पानी होता है वो टैप के थ्रू हमारे हाउस में आता है। देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे पानी है तो पाइपलाइन से एक प्यूरिफिकेशन सेंटर होता है, उसमें प्यूरिफाई होता है, क्योंकि ये पानी तो खुला होता है तो ये गंदा होता है तो इसको प्योर करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक प्यूरिफिकेशन सेंटर होता है, वहाँ से प्योर होके, यहाँ पे स्टोरेज टैंक है तो यहाँ से प्योर होके वो स्टोरेज टैंक में उसका स्टोर करते हैं और फिर वहाँ से पाइपलाइन थ्रू घर तक पानी आता है। द वॉटर वी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग शुड बी क्लीन एंड प्योर। हम जो पानी पीने के लिए और खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो एकदम क्लीन और प्योर होना चाहिए। इम्प्योर वाटर कजेस डिजीज़। इम्प्योर वाटर का हम इस्तेमाल करते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। वी कैन क्लीन वाटर बाई बॉइलिंग इट और बाई यूजिंग अ फिल्टर। हमें वाटर क्लीन करने के लिए वाटर को बॉईल करना चाहिए या तो कोई फिल्टर का यूज करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड। हमें हमेशा ऑलवेज जो वाटर कवर किया हुआ होता है वो ही पीना चाहिए। वी शुड नॉट पॉल्यूट वाटर बाई थ्रोइंग रूबिश एंड डर्टी थिंग्स इन टू वेल्स, टैंक्स एंड रिवर। हमें वाटर को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। पॉल्यूट वाटर कैसे करते हो आप सब, क्या करते हो जब बाहर जाते हो तो वेल में, टैंक में या रिवर में रूबिश थिंग फेंकते हो या तो डर्टी थिंग जो होती हैं वो फेंक के आप वाटर को पॉल्यूट करते हो। तो हमें वाटर को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। वाटर इज़ वेरी यूजफुल टू अस। वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। हमें वाटर का वेस्ट भी नहीं करना चाहिए।
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आज हमारा लेक्चर भी ओवर हो रहा है और चैप्टर भी ओवर हो रहा है. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ. तब तक बाय बाय.